एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है मिनिस्टर सुजुकी को, जहां पर वो बात कर रहे होते हैं योनेडा से। यहां पर योनेडा बताते हैं कि 24 घंटा आप उन्हें दीजिए, उसके बाद ही हम इस चीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। जहां पर कहते हैं मिनिस्टर, क्या आप भी इन सभी चीज़ों में बिलीव करते हो? जहां पर वो कहता है कि मुझे लगता है ये सारी चीज़ें रेलेवेंट हैं, यहाँ इसलिए आप वहाँ से अपने चॉपर्स हटा लीजिए। अब दूसरी तरफ इस चॉपर्स को देखते हुए सुजुमू काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो कहता है कि हमें इनमें से ही सभी बंदों को अपने रेड एरो के वश में लेते हुए इन्हें ख़त्म करना चाहिए। पर मिराई कहता है कि नहीं, हम सभी अलग अलग लोकेशन पर जाएंगे। जैसे करते हुए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट पर पहुंच जाते हैं। कोई दाबी मिनाटो वार्ड पर पहुंचता है तो कोई जिन्ना शिबाबी वार्ड पर। खैर, यहाँ पर हमें दिखाया गया टीवी स्टेशंस को, जहाँ पर ये सभी लोग टीवी स्टेशंस के छत पर ही होते हैं और सभी लोग इस चीज़ को देखते हुए थोड़ा शॉक में होते हैं कि सारे एंजल्स कुछ ही सेकंड्स में यहाँ कैसे पहुँच गए। जहाँ पर सभी लोग को मैसेज मिलता है कि मिस्टर सुजुकी ने अपने सारे ऑर्डर्स वापस ले लिए हैं, जो कि चॉपर उन पर अटैक करने वाला होता है। न्यूज़ रिपोर्टर भी इसे देख कर शॉक में होते हैं कि अभी अभी हुआ यहाँ पर क्या, सारे चॉपर्स वापस कैसे लौट गए। जिसके बाद यहाँ पर वो बोलते हैं कि इनका हार्ट कैसे चेंज हो गया अचानक से। फाइनली सभी लोग अपनी अपनी बातें रखते हुए ये बताते हैं कि अगर वो गॉड कैंडिडेट बने तो वो क्या करेंगे इस दुनिया के लिए। जिसके बाद सभी लोग उनकी बातों को रिकॉर्ड करने लगते हैं और उनके कैमरा में कैद करने लगते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया गया रेड को, जो कि इन सभी को देखता है और ऑर्डर देता है कि अब आप लोग अपनी बातों को रखो। जहाँ पे दिखाया गया है योनेडा को, जो कि द फाइनल गॉड कैंडिडेट को चुनने के लिए इन सभी चीज़ों पर वो रेड पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। यहाँ पर हमें एक चीज़ समझ में आती है कि वो चाहते हैं कि रेड ही अब गॉड कैंडिडेट बने। तो सभी लोग रेड के दोस्त ये सारी चीज़ें देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक में होते हैं कि जो माइको की दोस्त साकी है वो एक गॉड कैंडिडेट है, और इस चीज़ को लेकर वो हंगामा मचा देते हैं। जिस पर रेड ऑर्डर करता है कि सबसे पहले अपने अपनी बातें रखो। जहाँ पर ये बच्चा अपनी बातें रखता है और कहता है कि अगर वो गॉड कैंडिडेट बना तो वो उन लोगों को हटा देगा जो कि ऑलरेडी मरना चाहते हैं इस बात से, या फिर अपनी ज़िंदगी से बोर हो चुके हैं। जहाँ पर एक बंदा हाथ उठाते हुए कहता है कि मैं इस बेदर्द ज़िंदगी से बोर हो चुका हूँ। योनेडा इस बच्चे की बात सुनता है और कुछ भी नहीं कहता। यहाँ पास से हमें दिखाया गया है तेमारी को, जो कि अपनी बातों को रखती है। जहाँ पर वो लग्जूरियस लाइफ के बारे में लोगों को बताती है कि कैसे आपको मिल सकती है। जहाँ पर योनेडा कहते हैं ये लड़की पागल हो चुकी है, इसे सिर्फ इस दुनिया की ही पड़ी है, जहाँ पर सब लोग लग्जूरियस लाइफ के लिए ही मर रहे हैं, इन्हें किसी को नहीं पता कि आगे क्या होगा। अब साकी की बारी आती है, जहाँ पर साकी ये कहती है कि अगर वो गॉड कैंडिडेट बनी तो वो लोगों के लिए क्या करेगी, इसके पास उसका लिए कोई जवाब नहीं है। फाइनली यहाँ पर रेड की बारी आती है और योनेडा को भी रेड का ही इंतज़ार होता है कि रेड अब अपने इस जवाब में क्या देगा। बाद वो इन सभी लोगों की तरफ दिखाया गया है, जहाँ पे गॉड कैंडिडेट वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ पे ये सभी लोग फिर से अपीयर हो जाते हैं उसी जगह पर जहाँ पास वो आए थे। तो योनेडा भी तैयार हो जाते हैं इस चीज़ को कि उनसे अब वो मिलकर ही बात करेंगे। जहाँ पर उनका कलीग कहता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, जिस पर वो बताता है कि वो बस यहाँ से निकलना चाहता है और कुरोचुकु डिस्ट्रिक्ट वो पहुँचना चाहता है। जिसके बाद वो अपीयर हो जाता है उनके सामने, और इतने अचानक से वो आ जाता है जिससे सभी लोग इस चीज़ को देखकर काफ़ी शॉक में होते हैं और कहते हैं कि अच्छा, तो ये एक इंसान है जो कि फाइनल कैंडिडेट है। अब यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि 7.5 मिनट्स के अंदर लाइट ट्रैवल करती है इस पूरे अर्थ को, लेकिन हम एक सेकंड से भी कम समय में इस पूरे अर्थ को ट्रैवल कर सकते हैं। तो सभी न्यूज़ रिपोर्टर और लोगों के बीच में हल्ला हो जाता है कि प्रोफेसर योनेडा, जो कि नोबेल प्राइज से नॉमिनेटेड भी हैं, तो उन्होंने वो भी एक गॉड कैंडिडेट हैं। इस चीज़ को देखते हुए सभी के सभी मंत्री संतरी जो हैं सब कोई मतलब हैरान होते हैं, इवन एजेंट्स भी, कि योनेडा आखिरी कैंडिडेट हैं। यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि जो गॉड नेक्स्ट गॉड कैंडिडेट बनेगा इससे वो बातों से पता कर लेंगे। जिसके बाद वो अपनी एक थ्योरी रखते हैं, जिस पर वो बताते हैं कि जो हमारा मिस्टर मेट्रोपॉलीमैन थे वो जान चुका था कि गॉड जैसी कोई भी चीज़ होती ही नहीं, क्योंकि वो एक अनरियलिस्टिक चीज़ है। अब यहाँ पर वो बताता है कि गॉड पर मेट्रोपॉलीमैन कभी भी भरोसा करता ही नहीं था, इसलिए वो गॉड बनने की चाहत रखता था। जिसके बाद यहाँ पर सभी लोग उनकी फ़ोटोज़ निकालने लगते हैं, तो वो बताता है कि अगर गॉड या फिर हेवन ऐसा कुछ भी चेंज होता है तो एक्चुअल में तो गॉड एग्जिस्ट करता ही नहीं है। अगर एग्जिस्ट करता है तो सिर्फ एक चीज़, और वो ये है कि साइंस। जिस पर वो बताते हैं ह्यूमन सभी लोग कहते हैं कि हाँ ये सच है, जबकि ऐसा नहीं था। यहाँ पर वो एक और चीज़ रिवील करते हैं कि एडम और ईव, अगर इन लोगों का जन्म सबसे पहले हुआ था यानी 13.8 बिलियन पहले,
तो उनके प्रोसेस में कुछ ऐसा हुआ होगा कि अर्थ वाटर फॉर्म की होगी, जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बने होंगे, जीव बने होंगे, और फिर ह्यूमंस का इंसान का जन्म हुआ। इंसान को कोई चाहिए था जो उन पर हुकूमत कर सके और उनकी लुक भटके ना, इसलिए उन्होंने गॉड को बनाया। इस बात पर या फिर कहूँ इस पॉइंट पर यूनिडा बताता है कि जो भी भगवान ऐसा बोलते हैं कि बच्चा पैदा करता है, एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है। हम ह्यूमंस ही एनर्जी को क्रिएट कर देते हैं जिसकी वजह से ये फॉर्म क्रिएट होता है। एक्चुअल में उसके फॉर्म में जो क्रिएट हो रही होती है चीज़ें, वो आत्मा है शायद से, क्योंकि गॉड्स पर बिलीव करते हैं और यही आत्मा गॉड है, ऐसा लोगों का कहना है। जिस पर वो बताता है कि अगर गॉड सिलेक्शन की प्रोसेस में ये सारी चीज़ें आती हैं, तो हमें ये बताओ कि वर्ल्ड वाइडली अगर हम पूरे अर्थ या फिर कहूँ यूनिवर्स को भी नाप सकते हैं, तो फिर हमें आज तक हेवन क्यों नहीं मिला। जिसके बाद हमें दिखाया गया है कि एजेंट्स जो कि उनके ऊपर स्नाइपिंग करके बैठे होते हैं, वो बताते हैं कि हमें टारगेट दिख रहा है और वो हिल भी नहीं रहा। ऐसे करते करते काफ़ी सारे लोगों के ऊपर टारगेट करके रखा गया होता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हेवन से जो भी आए हुए जो भी एंजल्स हैं, इनके पास कोई भी गोल नहीं है। इस पर वो रिवील करने के लिए बोलता है, यहाँ पर वो एक चीज़ पूछता है कि जो अलग अलग कैंडिडेट्स हैं या फिर गॉड एंजल्स हैं, तो वो अगर इंटरफेयर करें तो क्या होगा, क्या तुम्हारे पास कोई स्पेशल पावर है। जिस पर मुनि के पास भी इसका कोई जवाब नहीं होता। तभी साकी बोलती है तो फिर हम यीशु मसीह और बाकी चीज़ों की पूजा करते हैं। यहाँ पर वो यीशु मसीह एज अ गॉड क्रिएटेड बताती है, जिनका हार्ट काफ़ी ज़्यादा प्योर था। वो कहता है कि ओगारो ने क्या कहा था, अगर एक बार कोई गॉड कैंडिडेट बन जाए वो हमेशा के लिए गॉड बन सकता है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ों को सुनने के बाद यूनिडे की तरफ वो बच्चा चला जाता है, जिससे तेमारी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि ये जो चीज़ें हैं मेरे पास हमेशा रहनी चाहिए, रेड एरो एंड वाइट एरो और पंख भी, जिससे वो लग्जरियस लाइफ को जी सके। और यहाँ पर सभी लोग इस बात को सुनते हैं। अब मेजॉरिटी जो है यूनिडा की तरफ जा रही होती है। इस चीज़ को देखते हुए रेड कहता है ठीक है, मैं गॉड बनने के लिए रेडी हूँ। जिस चीज़ को सुसुमु देखता है और सुसुमु कहता है हे गाइस ये देखो, हम पर स्नाइपिंग की जा रही होती है, वो भी राइफल के साथ। यहाँ पर वो बताता है कि हम पर अटैक कर सकते हैं लोग। जिसके बाद वो रेड उन्हें हटने के लिए कहता है और ये बंदा काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ होता है कि यहाँ पर कहीं उसको भी वश में कर लिया जाए इस बच्चे के थ्रू। यहाँ पर वो रेड एरो का यूज़ करने वाला होता है कि तभी वो डर के मारे वो गार्ड उस पर बंदूक की गोली चला देता है, जिससे उसके पूरे दिल में छेद हो जाता है। इस चीज़ को रेड भी देखता है और काफ़ी ज़्यादा शॉक में जाता है, जिसके बाद सुसुमु की डेथ हो जाती है और एपिसोड भी यहीं पर एंड होता है। गाइस अगर आपको मेरी एक्सप्रेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ साथ साथ बेल आइकन भी दबाएँ, और मेरा जो न्यू चैनल है उसे भी जाकर उतना ही सपोर्ट दीजिए जितना आप लोगों ने इस चैनल को दिया है। थैंक यू।